हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के हौली मोहल्ला है, और यहाँ पे टारगेट पॉइंट नाम से कोचिंग संस्था का आज शुभ उद्घाटन हुआ है। और ये नेक काम नेक आदमी के ही द्वारा किया जाता है, मैं आपको बता दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के भावी चेयरमैन प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद जी, समाज सेवी और माधुरी निदान केंद्र के डॉक्टर पंकज चौरसिया जी और वरुण मिश्रा जी। मैं आपको बता दूँ, ये कोचिंग संस्था इस उद्देश्य से खोला गया है जो कि असहाय और गरीब बच्चों हैं जो पढ़ने में जिनको वित्तीय जरूरत है, पैसों की जरूरत है, नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये कोचिंग संस्था खुला है। और ये बहुत नेक काम है, हसनपुरा नगर पंचायत में ये पहली बार ऐसा संस्था खोला गया है जिनके संचालक होंगे, डायरेक्टर होंगे राजा कुमार जी। तो आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इसके पीछे का उद्देश्य और कार्यक्रम। वरुण मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपके ही मोहल्ले में एक फ्री संस्था खुला है, कितना आपको आज कैसा फील हो रहा है? हमको तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि यह लड़का जो है, जिसका नाम राजा है, यत नाम तत् गुण इसमें है, और यह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। इसको जितना हम लोग सहयोग करें उतना कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह अवश्य कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे क्षेत्र में सामाजिक लोग हैं वो इसका बहुत सहयोग करें, और सच में इसका सहयोग करने से हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत सहयोग मिलेगा। डॉक्टर पंकज जी ने कहा कि मैं इसको बहुत सहयोग करूंगा, मुखिया जी ने कहा कि बहुत सहयोग करूंगा, ऐसे भी लोग सहयोग करते रहते हैं अपने क्षेत्र में। मैं और लोगों से कहूंगा कि जितने भी लोग हैं थोड़ा थोड़ा ही सहयोग करें इस बालक का, और अपने क्षेत्र में जो ये जहाँ ये कोचिंग खोल रहे हैं, यह एरिया जो है शिक्षा से बहुत पीछे है, और लगता है कि हमें यही सोच कर यह राजा जो है इस कोचिंग को खोलने का इसमें इच्छा आया हुआ है और यह खोल रहा है। और पहले से यहाँ अब शिक्षा बढ़ेगी, जब जो लड़के बच्चे घूम रहे थे अब आके शिक्षा ग्रहण करेंगे, यह तो अच्छी बात है। और अच्छे कामों के लिए सबसे मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के नम्र करूंगा कि जो हसनपुरा का एजुकेशन का फ्यूचर है वो बदलने वाला है। अगर ऐसी सोच कर दो चार लोग हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे हसनपुरा का शिक्षा बदल जाएगा, और हमारे हसनपुरा का जब शिक्षा बदलेगा तभी यहाँ पे सच का विकास होगा। टारगेट पॉइंट नाम से ये गरीब और असहाय बच्चों के लिए कोचिंग खोला गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? ये तो बहुत खुशी की बात है कि राजा कुमार जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं ये निःशुल्क व्यवस्था किए हैं और बच्चों को पढ़ाने का ये बहुत सराहनीय काम किए हैं। हम लोग को भी जहाँ इनके जो सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ जिसको भी निःशुल्क हम लोग सहयोग करेंगे, जिनके पास कॉपी किताब कलम नहीं हो हम लोग सहयोग करें, वो आके यहाँ पढ़ें। पहली बार हसनपुरा में ऐसा संस्था खुला है जो कि गरीबों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्या मैसेज देंगे उन बच्चों के लिए, पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए? हम पेरेंट्स को धन्यवाद करते हैं कि अपने बच्चे यहाँ भेजें, उनको फुल शिक्षा मिलेगी, हर चीज़ का सहयोग किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज चौरसिया जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, और आप डॉक्टर भी हैं, और इस तरीके का संस्था खोलना अपने आप में एक बड़ी बात है, और आप लोग इसमें शामिल होकर इसमें और चार चांद लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत सराहनीय काम है। ये हमारे यहाँ कुमार राजा जो है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, और मैं इसकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि इस तरह काम आज तक हसनपुरा में नहीं हुआ। एक असहाय आदमी जो अक्षम है वो इस तरह काम कर रहा है, तो ये वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस तरह के कोचिंग संस्थान खुलने से गरीब बच्चे खासकर उनके माता पिता को बड़ी खुशी हुई है कि हमारे बच्चे भी अब पढ़ लेंगे। आप देख रहे हैं शिक्षा का स्तर कितना दिन ब दिन गिरते जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, और उस तरह को देखते हुए इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग जितनी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। और हमारे मुखिया जी भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिए हैं इस चीज़ को, और इन्होंने भी काफ़ी वो किया है कि भाई बच्चों को हम मदद करेंगे।
और मुझसे भी जो हो सकता है मैं हर संभव मदद करूंगा और बच्चों को प्रॉपर में भी देख रख में रहूंगा। किसी भी नेक काम को करने के लिए नेक सोच और नेक आदमी की ज़रूरत पड़ती है और आप लोग साक्षात इसका प्रमाण है। उस राजा कुमार के लिए क्या कुछ कहेंगे आज जो ये हौसला? मैंने पहले भी कहा कि देखिए नाम राजा है, दिल का भी राजा आदमी है। ये डेयर आम आदमी की बस की बात नहीं है और ये इसने किया है एक आम आदमी हो के, तो ये मैं इसको बहुत अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ और आगे मैं कोशिश करूँगा कि राजा इस तरह से बढ़ चढ़ के और कोचिंग बढ़ावा दे, कोचिंग को बढ़ावा दे, गरीब बच्चों को पढ़ने में मददगार साबित हो और हमसे भी जितना मदद हो सकता है हम लोग करेंगे इस चीज़ को। राजा कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आ जाइए आप हमारे साथ। आपने ये फ्री संस्था ओपन किया, खोला है जी, इस तरह के सोच कैसे आपके पास आया? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां पे मतलब मेरे एक बात पे मैं जितने लोग अपने कीमती समय देकर हमारे मतलब इस सब मतलब इस कोचिंग के लिए अपना कीमती समय दे दिए हैं उन लोगों के लिए मैं अपने दिल से मतलब आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ठीक है सर, मेरा ये कोचिंग खोलने का एक ही मकसद है कि हम भी एक असहाय और दलित परिवार के बच्चे हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं समझते हैं, पर जो भी है पर अपने जो मोहल्ला में रहते हैं उसमें हम अपने मतलब हमको लोग अच्छा समझते हैं कि हाँ अच्छा थोड़ा पढ़ा लिखा है और यही सोच कर कि हमारे जो अगल बगल के मतलब हमारे परिवार के जो बच्चे हैं और जो आसपास के भी हमारे बच्चे हैं वो पैसे के अभाव में बहुत बच्चे ये कोचिंग नहीं जा पाते हैं। भले स्कूल जाते हैं मगर इस कोचिंग या ट्यूशन नहीं जाते हैं। अब सरकारी स्कूल में आजकल कैसे पढ़ाई हो रही है अब आप भी मतलब सोच सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि भले लड़का किसी भी कैटेगरी का हो वो पढ़ने के लिए आएगा, उसको लगेगा कि हाँ हमको कुछ सर को देना चाहिए तो मैंने अपने यथाशक्ति मन दे सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं देगा, हम पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं। बस मैं ये कहूँ छोटे बच्चों के लिए है कि 9th 10th के लिए सबके लिए सर। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अंत में मैं आपसे मैसेज लूँगा कि इस तरह के अगर लोग हसनपुरा में आगे आ रहे हैं और आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है तो इस पे क्या हम लोग ऐसे लोगों के लिए बिना सराहनीय योग्य काम हो रहा है। क्या कहते हैं लड़के के बहादुरी को देख कर हमारा दिल खुश हो रहा है, हम लोग हर संभव इसका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।